मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रोशनी। एक्सरसाइज कर रहे हैं लोग? नहीं, खत्म। सुबह से लेके रात तक शूटिंग करके मैं तो जिम का रास्ता ही भूल गई। कल से मैं भी शुरू कर दूंगा। दैट विल बी अ नाइस थिंग एक्चुअली। वैसे शूटिंग तो हम सभी करते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है, आदत बना लो तो आराम से हो जाएगा। क्यों जान? हे, गुड मॉर्निंग। हे, गुड मॉर्निंग। मैं चाय बनाने जा रही हूँ, अगर कोई चाय बनाने का इंतजाम है तो। तुम चाय पियोगे? तुम बना रही हो ना? जरूर पियूंगा। तुम्हारे हाथों से एक्चुअली मैं कुछ भी पी सकता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। हे, हाय। हे, केतकी जी कहाँ है? किसी ने उन्हें देखा है? मुझे लगता है केतकी जी अब उठ गई होंगी, मैं देख कर आता। आई लाइक हिम, बहुत स्वीट है। दरवाजा खोलिए केतकी जी। केतकी जी, केतकी जी, केतकी जी, केतकी जी, केतकी जी। ये हवेली बाहर से भी डरावनी लगती है। एक्चुअली मुझे लगता है कि यहाँ एक बहुत अच्छा रिजॉर्ट बन सकता है। लोग कहते हैं कि यहाँ पे आत्माएं रहती हैं, तो यहाँ पे कोई रिजॉर्ट बनाने क्यों आए? प्लीज, आई डोंट बिलीव इन ऑल ऑफ दैट। पहली बार मैं तुम्हारी बात से एग्री कर रहा हूँ। वेरी नाइस। यू नो, अगर ये जगह मेरी होती ना तो मैं इसमें एक बहुत अच्छा रिजॉर्ट बनाती, एंड आई एम श्योर कि वो बहुत सक्सेसफुल भी होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सब चीजों के लिए पैसे चाहिए होते हैं। पैसों से ही जिंदगी खरीदी जा सकती है। तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है कि पैसों से ही जिंदगी खरीदी जा सकती है? हाँ, हम सब यहाँ पैसों के लिए ही तो आए हैं, राइट? प्लीज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। बख्तियार प्लीज, बहुत सारे लोग ये शो देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हम सारी बातें यहीं पे करें। अरे मुझे तुम्हारी फिक्र है तनाज। मान लो अगर यहाँ पे कोई आत्मा है, मुझे कुछ कर दिया तो? अरे कम ऑन यार, ये शो है, इट्स अ रियलिटी शो। तनाज, तो कैमरास कहाँ है? कोई क्रू क्यों नहीं है? ओके बॉस, 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 बख्तियार जस्ट डिसअपीयर, डिसअपीयर। तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ना कोई आदमी ना कुछ भी। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। वैसे मैंने एक बात नोटिस की है विवान। क्या? तुम अकेले चुपचाप रहना पसंद करते हो, है ना? एक्चुअली मुझे दोस्त बनाने में थोड़ा सा वक्त लगता है, पर ये तो सोचो कि अगर तुम यहाँ से बाहर ना जा सके तो दोस्त बनाने का वक्त कहाँ मिलेगा?
और फिर यहाँ कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं. It's just about right time, right now. मुझे लग रहा है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो और कितने सिंपल तरीके से तुमने कितनी बड़ी बात कह दी. चलो आगे देखते हैं, यहाँ पर तो कुछ नहीं, आगे शायद और कुछ मिल जाए. Let's go. यहाँ क्या है? ओह, लगता है बहुत पुराना कुआं है. आप I'm fine. Thanks. Gautam! क्या हुआ? वहाँ कुछ है. वहाँ तो कुछ भी नहीं है. वहाँ कुछ था, मैंने देखा था वो खबरें. रोशनी कुछ नहीं है वहाँ पे, तुम हम कहाँ घबरा रही हो? देखो फिसलना मत. मेरे कहने का मतलब है यहाँ हाथ से वरना गिर जाओगे. देखो गिरूंगा तो नहीं लेकिन फिसलने की कोई गारंटी. अच्छा हाँ, वैसे घुमा फिरा के तुम अपनी बात कह ही देते हो. यस. ये देखो. ओह माय गॉड, ये तो खून. ये लॉकेट किसकी है? मुझे वहां मिला, वहां नीचे पड़ा हुआ था. ओह माय गॉड, ये किसकी लॉकेट हो सकती है? क्या ये खुलती है? जरा देखो तो. माय गॉड, किसी के बच्चों की तस्वीर है. किसके उसके? बख्तियार, क्या हुआ? यार मुझे ये लॉकेट मिला है, एक मिनट नीचे आना यार. देखा यार, इस पे तो खून लगा है. किसका ये? पता नहीं, इसलिए तुम लोग से पूछ रहा हूँ. ये बच्चों की फोटोज, do you recognize them? Not at all. Hey guys, यहाँ केतकी जी आई थी ना? केतकी जी यहाँ पे रही. जी तो केतकी जी का है. हाँ, what? Are you sure तुम्हें पता है कि ये केतकी जी की लॉकेट है? जी हाँ, उन्होंने कल रात को मुझे ये लॉकेट दिखाया था और ये उनके बच्चों की तस्वीर है. और रात के बाद तो केतकी जी को किसी ने देखा नहीं. इसका मतलब केतकी जी को कुछ हुआ है. इसका मतलब है किसी आत्मा ने केतकी जी पर अटैक किया है. इसका मतलब ये भी है कि इस पुरानी हवेली में आत्माएं हैं. तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं हो? मैं कब से कह रहा हूँ, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि शो में भाग नहीं लेते, लेकिन तुम्हारी सिद्ध के सामने एक नहीं चलती. हो गया, रिलैक्स करें. देखो कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं है यहाँ पे. कहाँ पे मिला था जो ये लॉकेट? बता. हाँ चल. कहाँ पे? खून के मार्क्स भी थे उसके. ये रहा, यहीं से लॉकेट उठाया था मैंने. सर खून किसका? एक काम करते हैं, कुछ आसपास देखते हैं, कुछ मिल जाए शायद पता चले कि यहाँ पे हुआ क्या था. चल. मुझे पूछने वाली तुम कौन होती हो? I'm just trying to find out ये तुम्हारे. One second, relax. करना और चिकरना बंद करेंगे हम लोग. अभी
केतकी जी में से उन्हें ढूंढना जरूरी है। लेकिन मैंने केतकी जी को हर जगह ढूंढा, वो कहीं नहीं मिले। ये जिंदा है, केतकी जी जिंदा है। केतकी जी, केतकी जी, आई यू अवेक? उठिए केतकी जी, आप ठीक तो हैं? माय गॉड, हम सब इतना परेशान हो गए थे, आपको क्या हुआ? पता नहीं, घूमने निकली थी मैं। और क्या क्या हुआ केतकी जी? और मैं चल रही थी तब पीछे से किसी के चलने की आहट सुनी, मुड़ के देखने की कोशिश की, उसने मुझे किसी भारी चीज से मारा और मैं बेहोश हो गई। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? पता नहीं, सुना नहीं किसकी आहट थी, इंसान की थी या फिर किसी आत्मा की। केतकी जी, देखिए, मैं समझ सकता हूँ जो अभी आपकी हालत होगी, पर अपने आप को संभालने की कोशिश कीजिए। वैसे हम सबको आपका ये लॉकेट मिला था बाहर पड़े हुए, पता नहीं इस पे खून कैसे लगा हुआ है। और इस लॉकेट के साथ हमें तनाव की अंगूठी भी मिली थी। मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा है तनाव की तुम्हारी अंगूठी वहां कैसे पहुंची। इनसे ही पूछो। चलो टेबल सेट हो गया, अंदर चेक करके आता हूं। नाश्ता बन गया क्या? ओए ओए ओए, आशका, ये नमक है, ज्यादा गिर गया तो कोई खाना नहीं खाएगा, पहले से ही कम डालना करो। खुशबू तो अच्छी आ रही है, लगता है घर पे प्रैक्टिस करके आए हैं। ओ प्लीज, घर पे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, मेरी मेड सब खाना बनाती है। लेकिन अगर मेरे हाथ का खाना खाओगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। बाय द वे तनाज, रोशनी किसी रिंग के बारे में बात कर रही थी, तुम्हें पता है क्या था वो? उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, उसकी बातों को सीरियसली मत लो, ओके? जस्ट इग्नोर हर। चिढ़ क्यों रही हो? मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। मैं बताता हूँ आशिका जी, इनकी अंगूठी बाहर गिरी मिली, वो भी केतकी जी के लॉकेट के साथ जिसपे खून लगा हुआ था। अब इनको खुद को नहीं मालूम कि वो अंगूठी बाहर कैसे पहुंची। मैं आत्मा वगैरह में नहीं मानता, कोई जरूर हमारे साथ मजाक कर रहा है। ओह माय गॉड, क्या हुआ? केतकी जी के लॉकेट पे खून ताजा था। हाँ तो? जब हमने केतकी जी को देखा तो उन पे ऐसे कोई चोट नहीं थी जिससे खून निकले। Yeah, you're right. असली गेम तो अब शुरू हुआ है। I don't understand. कोई ऐसे ऊपर से बेहोश होने का नाटक क्यों करेगा? तनाज सच कह रही है या फिर केतकी जी, कुछ पता नहीं चल रहा ना। देखो रोशनी, हमें पूरी बात अभी तक पता नहीं है और बिना किसी सबूत पे मैं किसी पे शक नहीं करना चाहता। I know, लेकिन कोई तो ये सब कुछ कर रहा है ना। मैं कह रही हूँ कि केतकी जी, क्या हो रहा है? नहीं मतलब कोई प्राइवेट बात हो रही है तो मैं। अरे नहीं, आप बैठिए। नहीं बिल्कुल भी नहीं, प्लीज जॉइन अस। अब मैं तो यही कह रही थी कि शो का प्राइस मनी बहुत ज्यादा है, यू नो, जितने कम लोग होंगे उतने ही हमारे जीतने के चांसेस है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये सब हम में से कोई एक कर रहा हो दूसरों को डराने के लिए, यू नो, शायद जो ये सब कर रहा है वो सोचता है कि लोग डर के भाग जाएंगे गेम से।
तुम तनाज के बारे में बात कर रही हो ना? मैं भी वही सोच रही थी, लेकिन जब तक बात साबित ना हो हम उस पे इल्जाम नहीं लगा सकते ना। चलो नाश्ता कर लेते, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं, बहुत भूख लगी है मुझे। ब्रेकफास्ट लीजिए, खाइए। थैंक यू। विवान एक बनाना बस करना प्लीज। हाँ थैंक्स। क्या हुआ? काफी बूढ़ी लगती है। नहीं यार, क्या प्रॉब्लम है? और अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताना चाहिए, मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ऐसे बार बार उसके पीछे कब तक भागता रहूंगा? वैसे कोई टेबल छोड़ के जाता है जैसे किसी को? ये बात तो सही है, बूढ़ी है, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन जीतने का बहुत शौक है ना, आई मीन तुमसे भी ज्यादा। उसकी तो बात ही मत कर, बहुत ज्यादा। तुम्हें लगता है कि वही हमें डराने की कोशिश कर रहा है जीतने के लिए? आफ्टर ऑल 5 करोड़ का इनाम है, तो काफी ज्यादा रकम भी है, तो कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है कि तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। एक मिनट, तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सच में समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देख बख्तियार, देख उसके कहने का वो मतलब नहीं है। बख्तियार बादशाह, बख्तियार क्या कर रहे हो यार तुम आपस में?